क्या आपको भी लगता है आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, ओवरथिंकिंग के शिकार बन चुके हो? तो आप ये वीडियो अंत तक देखें, आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अपनी स्थिति के बारे में स्वभाव है, अन्यथा हम उनका समाधान कैसे करेंगे? डाकिया मस्तिष्क भी एक समान स्थिति है, फिर भी कई बार हम असमान सोच की सीमा को पार कर जाते हैं। हम किसी भी चीज के बारे में बहुत अधिक सोचते हैं, जिसके कारण हम अन्य क्षेत्रों में ध्यान नहीं दे पाते हैं जो आवश्यक है। जब ऊर्जा एक समस्या में खर्च हो जाती है तो हम कम उत्पादक और खाली हो जाते हैं। इसे ही ओवरथिंकिंग के रूप में जाना जाता है। ओवरथिंकिंग प्राकृतिक और पूरी तरह से मानव निर्मित नहीं है। चीजों को कम या ज्यादा जटिल बनाना हमें पसंद है। जब हम जरूरत से ज्यादा सोचते हैं तो हम स्थिति को पहले से ज्यादा कई ज्यादा जटिल बना देते हैं। हो सकता है कि हम अपने द्वारा लिए गए किसी फरमान, किसी समस्या को हल करना चाहते हैं, अतीत की किसी स्थिति के बारे में अधिक आक्षेप, या हम केवल भविष्य के बारे में चिंतित होते हैं। समस्या कैसी भी हो, ज्यादा डाकिया हमें कदम उठाने से रोकते हैं। मैं जिन बौद्ध शिक्षाओं का अध्ययन कर रही हूँ वो बताते हैं कि ज्यादा सोचने से हमारी ऊर्जा खत्म हो जाती है और हम दुखी हो जाते हैं। यह हमें एक पास से जुड़ा हुआ रखता है जो हमें कई उचित स्पष्टीकरण से जोड़ता है। जैसे कि जिद्दो कृष्ण मूर्ति कहते हैं, जितना अधिक आप विश्लेषण करते हैं उतना ही कम आप समझते हैं। जब हम ज्यादा सोचते हैं तो हम मान लेते हैं कि हम समाधान की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि इसे और अधिक स्पष्ट करते हैं। समाधान के लिए उत्तर की आवश्यकता होती है, लेकिन इसके बजाय हम अपना ध्यान स्वयं पर केंद्रित रखते हैं। जैसे, ऐसा क्यों हुआ, क्या होगा अगर ऐसा होता है, क्या हो सकता है। इस दुष्चक्र से निकलना मुश्किल नजर आता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। बौद्धों का मानना है कि जितना अधिक हम अपने मन के साथ व्यवहार सीखते हैं उतना ही कम हम अति विचारक बन जाते हैं। बौद्ध सलाह देते हैं कि हमें ज्यादा सोचने की शुरुआत किसी परिचित की जरूरत नहीं है, किसी परिचित की जरूरत है। कभी कभी यह नजरिया मुश्किल होता है कि जब हम ज्यादा डाका डालने शुरू कर देते हैं। पहला लक्षण यह है कि हम विचार में खो जाते हैं। जब फोन की घंटी बजती है तो कोई हमारा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है, या हमें कोई शोर सुनाई देता है तो हम सुनते हैं, और सबसे अधिक संभावना है कि देखने पर चिढ़ महसूस करते हैं। दूसरा लक्षण है, जिस क्षण हम अपने विचार में बहुत कम होने से थके हुए महसूस करते हैं, वह क्षण होता है जब हम कह सकते हैं कि अधिक सोचने में हमें उपभोग करना शुरू हो गया है। हम सिरदर्द से पीड़ित हो सकते हैं, थक सकते हैं, या बस अस्वस्थ महसूस कर सकते हैं। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं बताती हैं कि जब एक बार हमें एहसास होता है या हो जाता है कि हम अत्यधिक सोच रहे हैं, तो हमें यह समझने की आवश्यकता है कि क्या हो रहा है। ज्यादा सोचना मूर्खता है और यह हमारी अपनी रचना है। हमें उस समय पर चिंतित करना चाहिए जब हमने ज्यादा सोचा, और यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि यह कहीं नहीं ले गया। ओवरथिंकिंग को मिटाने के लिए हमें यह देखने की जरूरत है कि हमारा दिमाग समाधान पैदा कर रहा है या अधिक समस्याएं। यदि हम प्रश्नों के चक्रव्यूह में फंसे हैं तो हमें इसे एक संकल्प में बदलने का प्रयास करना चाहिए। केवल उन हिस्सों पर ध्यान दें जो मायने रखते हैं। यदि हम प्रश्नों या शंकाओं में फंस जाते हैं तो देखें कि यह कितना उपभोग कर रहा है,
देखें कि कैसा कैसे आप अधिक सोचने के बाद थक जाते हैं। क्या प्रक्रियाएं के दौरान आपने शून्य शून्य समाधान कैसे उत्पन्न किए हैं। हमें उन नकारात्मक प्रतिमाओं को समझने में सक्षम होना चाहिए जो हम अत्यधिक सोच के माध्यम से बनाते हैं। एक और उपाय जो मैंने अपने बौद्ध अध्ययन से सीखी हूँ वह है ध्यान का अध्ययन करना, क्योंकि यह हमें ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर हमारे दिमाग को तेज करती है और चिंता को कम करती है। जब भी आप खुद से ज़्यादा सोचते हुए पाए तो खुद को ज़मीन पर लाने के लिए कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। प्रतिदिन 15 मिनट ध्यान करने से हम अपने मन के व्यवहार करने के तरीके को प्रभावित कर सकते हैं। ध्यान का उद्देश्य विचारों को उनसे चिपके बिना या उनमें लिप्त हुए बिना देखना सीखना है। इसके अलावा बौद्ध हमें सलाह देते हैं कि हमें वास्तविक तथ्यों को देखें, वास्तविकता को ही देखें, न कि हमारे द्वारा बनाए गए निर्थक विचारों को। जब हम तथ्यों को देखते हैं तो हम जो हो रहा है उसकी बेहतर समझ हासिल करते हैं। एक बार जब हम चीज़ों की वास्तविकता को समझ जाते हैं तो हम अधिक आसानी से समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। तो आप एक बार ये ट्राई करके देखो कि आपकी ओवरथिंकिंग कितनी कम हुई। नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करना और लाइक करना।